दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंपनी का फोन यूज करते होंगे, लेकिन आपके फोन में क्रोम ब्राउजर आपको जरूर देखने को मिलता है। दोस्तों, इस क्रोम ब्राउजर के अंदर में चार ऐसे हिडन सेटिंग है, जिसे यदि आज आप अपना कर लेते हैं तो आपके जो फोन की बैटरी बैकअप है ना दोस्तों, वह पूरे 3 दिन तक चल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हैं और आपका जो बैटरी है वह 1 दिन से ज्यादा नहीं चल पाती है, तो क्रोम ब्राउजर की इन हिडन सेटिंग को करके अपने फोन की बैटरी बैकअप को पूरे 3 दिन तक चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि क्रोम की वह कौन से हिडन सेटिंग है, जिसे करने के बाद में आप अपनी बैटरी बैकअप को 3 दिन तक चला पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे हम अपने क्रोम के अंदर में हिडन सेटिंग को करेंगे। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है, तो आप सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन के क्रोम को ओपन करना है। जैसे क्रोम ओपन करेंगे, क्रोम कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ 3 डॉट होगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक बटन है जो ग्रीन कलर का, जो है सिंक। अगर आपके फोन में सिंक बटन ऑन है, तो आप चाहे कितना भी महंगा फोन ले ले, 1 लाख रुपए का फोन ले ले, आपके फोन की बैटरी 1 दिन से 2 दिन तक नहीं चलेगी। दोस्तों, यह गूगल और क्रोम के अंदर में एक सिंक बटन होता है, जो करता क्या है कि आपके फोन में सारे डेटा को, सारे एप्लीकेशन के डेटा को सिंक करता रहता है, जिसकी वजह से आपका फोन बैकग्राउंड में ही कटता रहता है, आपके फोन की बैटरी बैकग्राउंड में ही कटता रहता है और आपको पता नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि हमारे फोन की बैटरी तो खत्म हो गई। अगर आपको अपने फोन की बैटरी को बचाना है, तो तुरंत ही इस सिंक पे क्लिक कीजिए, और सिंक पे क्लिक करने के बाद में यहां पर जो सिंक का बटन है, इसको ऑफ कीजिए, और यहां जितने बॉक्स पे आपका टिक लगा है ना, इस सारे को अनटिक कर दीजिए, और इस तरीके से बैक हो जाइए। जैसे बैक होकेंगे, यह सिंक डेटा है ना आपका बंद हो जाएगा, और इस सिंक डेटा को बंद होने से अभी से ही आपके फोन की 50% बैटरी बचना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार ट्राई कर देखना दोस्तों, आपकी बैटरी बैकअप कैसे बढ़ रही है। तो यह तो पहली सेटिंग थी जो आपको कर लेना है। साथ ही साथ अब आप लोगों को दूसरी सेटिंग करनी है। दूसरी सेटिंग आपको यहीं पर मिलेगा, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप क्रोम के अंदर में बहुत सारी नोटिफिकेशन ऑन है। देखिए दोस्तों, इतनी सारी नोटिफिकेशन ऑन रहती है तो हमारे फोन में थोड़ी थोड़ी नोटिफिकेशन जो भी आती है वो उस पर भी बैटरी कटता है, क्योंकि गूगल और क्रोम पे हर मिनट मिनट पर आपको कोई आर्टिकल पोस्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं क्रोम पर, गूगल पे आर्टिकल हैं जो पोस्ट होते हैं, और आपका जो नोटिफिकेशन के कारण में थोड़ी थोड़ी बैटरी कटती है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जितने भी बटन है ना, सारे को बंद कर ऑफ कर देना है। अगर यह ऑफ कर देंगे तो थोड़ी थोड़ी जो बैटरी कट रही थी ना, अब से वो थोड़ी थोड़ी बैटरी कटना बंद हो जाएगी, और आपके फोन की बैटरी बैकअप यहां से थोड़ा सा अच्छा बढ़ जाएगा। तो यह काम भी आप लोगों को कर लेना है। साथ ही साथ अब आप लोगों को एक सेटिंग और करनी है। सेटिंग करने के लिए यहीं पर सेटिंग पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और आप लोगों को यहीं पर सेफ ब्राउजिंग का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और आप यहां पर 3 ऑप्शन देखेंगे। अगर आपका फोन स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन या नो प्रोटेक्शन पे है, तो इसको आपको यहां से उठाकर इन हैक्ड प्रोटेक्शन पर सेट कर देना है। वह क्यों करना है कि आप यहां पर सेफ ब्राउजिंग पर इसलिए क्लिक कर दीजिए कि जब भी आप गूगल या क्रोम पे कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, और कोई एप्लीकेशन गलती से, अगर आपके फोन में एक भी एप्लीकेशन गलती से अगर ऐसा डाउनलोड हो गया कि जो आपके फोन के डेटा को और बैटरी को चुरा रहा है, तो आपके फोन की बैटरी को अंदर ही अंदर कंज्यूम कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक एप्लीकेशन अगर गलती से भी आपके फोन में गलत अगर डाउनलोड हो जाता है, तो आपका डेटा चोरी करने लगता है, और डेटा जब चोरी करता है तो आपके फोन की बैटरी भी कटती है। तो आप लोगों को तुरंत ही इस सेटिंग को इन हैक प्रोटेक्शन पर कर देना है, क्योंकि आप यहां पे पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि इस सेटिंग को करने से कोई भी डेंजरस वेबसाइट या कोई भी डेंजरस ऐप आप यहां पे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। कोई भी डेंजरस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपका फोन इंडिकेट करने लगेगा, और आपका फोन कोई भी गलत चीजों को सर्च करने ही नहीं देगा, जिसके कारण कोई भी ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा जो आपकी फोन की बैटरी और इंटरनेट को चुराए। तो यह सेटिंग कर लीजिएगा। और लास्ट सेटिंग और एक करना है, उसके लिए आपको इस तरीके से दबा के रखना है क्रोम को, ऐप इन्फो पे क्लिक करना है, और इस तरीके से जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बैटरी सेवर का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर बैटरी सेवर की जो सेटिंग है, इस पर आपको टिक कर देना है। बैटरी सेवर पर जब टिक कर देंगे, तो अब से आपके फोन की बैटरी इतना अच्छा बचने लगेगी कि पहले की अपेक्षा आपके फोन की बैटरी पूरे 3 दिन तक निकल जाएगी। एक बार इस सेटिंग को ट्राई कीजिए, उसके बाद आपको ज्यादा विश्वास होगा हमारे वीडियो पर।
तो इस वीडियो के अंदर में हम आपको ये बता रहे थे कि क्रोम ब्राउजर की सेटिंग से कैसे हम अपनी फोन की बैटरी बैकअप को बढ़ाएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।